हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे HP पुलिस भर्ती के लिए जो मेरा मेडिकल हुआ था उसके एक्सपीरियंस के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है मेरा मेडिकल एक्सपीरियंस जो पुलिस के टाइम हुआ था। दोस्तों, HP पुलिस में जो आखिरी राउंड होता है वो होता है मेडिकल राउंड। दोस्तों, पुलिस का मेडिकल जो होता है वो इतना टफ नहीं होता जितना आर्मी और इंडियन नेवी का होता है। दोस्तों, उनका मेडिकल बहुत ही टिपिकल मेज़र चीज़ें चेक करते हैं। इसमें पुलिस में बहुत ही माइनर मेडिकल होता है और बहुत ही इजी मेडिकल होता है। दोस्तों, मेरा मेडिकल जो था वो बहुत ही इजी हुआ था और कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। दोस्तों, पुलिस का मेडिकल जो होता है वो बहुत ही इजी मेडिकल होता है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, पुलिस के मेडिकल में मेरे जो टेस्ट हुए थे वो थे इस प्रकार। दोस्तों, पहला जो टेस्ट हुआ था वो था ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट में उन्होंने ब्लड ग्रुप चेक किया था, प्लेटलेट्स, आरबीसी डब्ल्यूबीसी। आपको ये पता लगता है कि आप यदि आपको चोट लग जाए तो आप कितने दिन में रिकवर कर लोगे और आपको आपकी स्ट्रेंथ कितनी है, आप जल्दी थक तो नहीं आते, ये सब चेक करते हैं वो। दोस्तों, सेकंड टेस्ट हुआ था मेरा यूरिन का टेस्ट। यूरिन के सैंपल लिए थे और इससे बहुत से अगर आपको कोई बीमारी है, इन्फेक्शन है, तो उसका पता लग जाता है, इसलिए ये टेस्ट हुआ था। दोस्तों, थर्ड टेस्ट हुआ था आई का टेस्ट। इसमें से मुझे डॉक्टर ने कलर ब्लाइंडनेस के लिए जो भी वो एक बुक आती है उसमें से 2-3 अक्षर पढ़ने को बोला था और दूर की नज़र और पास की नज़र चेक करने के लिए भी टेस्ट हुए थे। दोस्तों, ये टेस्ट इतना इजी भी नहीं होता और इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता है। दोस्तों, आपको कलर ब्लाइंडनेस जो है वो नहीं होनी चाहिए, वो एक मेजर प्रॉब्लम है। आपको पुलिस ड्यूटी में बहुत से एक्सपीरियंस में आपको कलर ब्लाइंडनेस की नहीं होनी चाहिए, तो आपको ये दिक्कत क्रिएट कर सकती है। दोस्तों, अगर आपको चश्मा लगा हुआ है तो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आपको बस कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए और आपको जो भी डॉक्टर बोलेगा वो अक्षर आइडेंटिफाई करना है, बस इतना सा काम है आपका। यदि डॉक्टर वाला वो डिजिट आप पहचान लोगे तो आप आई टेस्ट में पास हो जाओगे। फोर्थ टेस्ट हुआ था औरतों का टेस्ट। दोस्तों, इसमें मेरी बाजू की हड्डियों को देखा था, बाजू देखी थी कि टेढ़ी वगैरह तो नहीं है, जहाँ एंगल वगैरह तो नहीं है, कई बाजू में एंगल होता है वो देखा था, और इसमें से नोकनी देखी थी, नोकनी नहीं होनी चाहिए इसमें से, बाद में आपको ट्रेनिंग में प्रॉब्लम हो सकती है। ये सब चेक करा था ऑर्थो के टेस्ट में। पाँचवें टेस्ट में हुआ था फुल बॉडी का एक्सरे टेस्ट हुआ था। छठे टेस्ट में हुआ था माउथ का टेस्ट, जिसमें देखी थी जीभ और दांत वगैरह देखे थे, कोई टूटा वगैरह तो नहीं है, टूटा नहीं होना चाहिए दांत। दोस्तों, और नोज़ का टेस्ट हुआ था, गले का टेस्ट हुआ था, नोज़ में ये देखा था कि कोई नोज़ की हड्डी वगैरह बदी तो नहीं है, वो देखी थी, इसका टेस्ट हुआ था एक। दोस्तों, इस टेस्ट में आपके दांत वगैरह टूटे नहीं होने चाहिए, पूरे साफ वगैरह होने चाहिए, कोई भी पीलापन नहीं होना चाहिए उनमें, कैटारैक्ट वगैरह एक बीमारी होती है वो नहीं होनी चाहिए। जो दोस्तों सातवां जो टेस्ट था वो था पूरी बॉडी का चेकअप, और इसमें से देखा था कि पूरी बॉडी में आपको कहीं एलर्जी का निशान तो नहीं, या दाग वगैरह तो नहीं, दाग नहीं होना चाहिए दोस्तों, कोई भी वगैरह एलर्जी वगैरह नहीं होनी चाहिए, या किसी बॉडी पर दाग धब्बे होते हैं वो नहीं होने चाहिए, वो टेस्ट हुआ था। और आपके टांग में या हाथ में कहीं भी रोड वगैरह नहीं डली होनी चाहिए, जिससे आपको बाद में ट्रेनिंग में दिक्कत हो, और क्योंकि ये बाद में दिक्कत क्रिएट करता है आपको, आपकी ट्रेनिंग में PT होती है, परेड होती है, वो सब होता है, तो आपको बाद में ये दिक्कत क्रिएट करेगा, तो आपको आपके लिए ये रिजेक्शन का कारण हो सकता है। आपकी दिक्कत जो भी है वो सिर्फ माइनर दिक्कत होनी चाहिए तो आपको सिलेक्ट किया जा सकता है। आठवां हुआ था हार्ट का टेस्ट। हार्ट बीट चेक की गई थी मेरी, और दोस्तों इसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसमें माइनर दिक्कत भी हो तो निकाल देते हैं, कोई रिजेक्शन का कारण बन सकता है आपके लिए। सो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना थी, ये थी वीडियो मेरे मेडिकल एक्सपीरियंस के ऊपर। अगर आपको कोई डाउट रह गया तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएँ।
आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो लाइक करें और कमेंट करके भी बताएं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी या नहीं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़रूरत पड़ने पर और बच्चों को जो भी HP पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके पास ये वीडियो रीच हो सके। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। धन्यवाद। जय हिंद। जय हिमाचल।